साल 2022 से पहले तक शाहरुख खान का करियर और बॉलीवुड दोनों अपने डाउनफॉल से गुजर रहे थे। रावण, दिलवाले, जीरो जैसी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर मूवी देने के बाद साल 2018 से लेकर 2022 तक 4 सालों तक शाहरुख खान पूरी तरह बॉलीवुड से गायब थे। लेकिन अचानक फिर साल 2023 में आई जवान और पठान ने 1000 प्लस करोड़ की अर्निंग करते हुए दोबारा से शाहरुख खान को बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक बना दिया। पर आखिर ये हुआ कैसे? एसआरके के मूवीज में ऐसा क्या था जो इन्हें इतनी सक्सेस मिली और कैसे शाहरुख खान अचानक इतने ज्यादा पॉपुलर बन गए? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। जनवरी 2023, करीब 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद एसआरके ने थिएटर्स में पठान के साथ एंट्री मारी। इस मूवी से पहले तक बॉलीवुड के हालात इतने खराब थे कि बड़े बजट और एक्टर्स वाली मूवीज भी 100 करोड़ का मार्क टच नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल, अक्षय कुमार जिनका बॉलीवुड में सबसे हाईएस्ट सक्सेस रेट है, उनकी साल 2021 से लेकर 22 के बीच टोटल 8 मूवीज रिलीज हुई थी, जिनमें से 7 मूवीज फ्लॉप थी। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा जैसी बिग बजट मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। लेकिन फिर पठान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मूवी ने रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ की ओपनिंग की और लगातार 3 दिन तक हर दिन 100 करोड़ रुपए कमाए एंड ओवरऑल 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जो 30 सालों से बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहे शाहरुख खान के पूरे करियर की अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। और साल 2016 रिलीज दंगल के बाद ये दूसरी बॉलीवुड मूवी थी जिसने 1000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस किया था। पठान दंगल के बाद पूरे बॉलीवुड की दूसरी सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी थी। लेकिन 7 सितंबर 2023 को एसआरके की जवान मूवी रिलीज हुई, जिसके जरिए शाहरुख खान ने अपने इस रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ दिया, क्योंकि पठान का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जवान ने टोटल 1146 करोड़ की अर्निंग की, जिससे अब जवान बॉलीवुड की सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है। यानी कि 58 इयर्स के हो चुके एसआरके ने एक ही साल में अपने करियर की और बॉलीवुड की दो सबसे सक्सेसफुल मूवी दी है एंड ये दोनों ही मूवीज बॉलीवुड के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं थी, और हाँ, शाहरुख खान के करियर के लिए भी। तो देखो, एसआरके की पठान मूवी से पहले तक सिनेमा का कुछ ऐसा हाल था। हर मूवी के खिलाफ ट्विटर पर बॉयकॉट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे थे। एक्टर्स एंड डायरेक्टर की पुरानी स्टेटमेंट को बेस बनाकर उनके खिलाफ बॉयकॉट हैशटैग चलाए जा रहे थे। वैसे इन बॉयकॉट ट्रेंड्स के शुरू होने की असली वजह एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की 2020 में हुई कॉन्ट्रोवर्शियल सुसाइड को माना जाता है, जहां से बाद में ये ट्रेंड नेपोटिज्म तक पहुंच गया, जो कि बॉलीवुड की एक प्रॉब्लम भी है। अब इस दौरान ना कई बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर लेने और उसकी डील करने के आरोप भी लगे। इन सभी चीजों ने इन बॉलीवुड स्टार्स की एक ऐसी नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी, जिसका असर ये हुआ कि साल 2020 के बाद बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े एक्टर्स की मूवीज पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हुई साबित हो रही थी एंड प्रोड्यूसर्स को ना चाहते हुए भी अपनी मूवीज सिनेमा में लगाने के बजाय ओटीटी पर बेचना पड़ रहा था। अब देखो, ऐसा नहीं था कि लोग इस दौरान मूवीज देखने थिएटर में नहीं जा रहे थे, बल्कि अभी भी मेजोरिटी लोग थिएटर में जाना ही पसंद कर रहे थे, लेकिन वो बॉलीवुड मूवीज के लिए नहीं बल्कि साउथ इंडियन मूवीज के लिए जा रहे थे। और इसी के कारण साल 2020 से 2022 के बीच आई कई साउथ इंडियन मूवी केवल इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड काफी सक्सेसफुल हुई, जैसे कि पुष्पा, KGF, RRR, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। यहाँ तक कि RRR इन सब से एक कदम आगे बढ़ते हुए ऑस्कर तक पहुँच गई, जहाँ पर इसके सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर यानी कि एकेडमी अवार्ड मिला। अब इस दौरान साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड को ओवरटेक कर चुका था। बाहुबली, KGF, RRR जैसी साउथ मूवीज इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड पसंद की जा रही थी। बॉलीवुड मूवीज इन साउथ इंडियन मूवीज की सक्सेस को टच भी नहीं कर पा रही थी। इन मूवीज का असर इतना ज्यादा था कि कई फॉरेनर्स ने तो इन मूवीज के रिव्यू एंड रिएक्शंस करते हुए मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बना लिए। अब इन सब के बीच ना शाहरुख खान की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी काफी अप्स एंड डाउन्स से गुजर रही थी। नवंबर 2021 में मुंबई से गोवा की ओर जा रही एक क्रूज शिप जिसमें आर्यन खान और उसके फ्रेंड्स सवार थे, पर एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस पर NCB यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड कर दी, जिस दौरान ऑफिसर्स को इस शिप पर काफी मिले, जिसके चलते NCB ने आर्यन एंड अदर 19 लोगों को
ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया। आर्यन ड्रग्स लेने और उसे कैरी करने के चार्ज लगाए गए जो इंडियन लॉ के मुताबिक इलीगल है, जिस केस में आर्यन खान को करीब एक महीना जेल में बिताना पड़ा। इस दौरान इस केस पर काम कर रहे ऑफिसर समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी बाहर आई, जिसमें शाहरुख खान समीर से अपने बेटे को छोड़ने की इमोशनल रिक्वेस्ट भी करते दिख रहे थे। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हुआ एंड ये केस कोर्ट में गया एंड फाइनली इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ऑफिसर समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को एक झूठे केस में फंसाया था, जिस केस से बचाने के लिए उसने एसआरके से 25 करोड़ की रिश्वत भी डिमांड की थी। अब इन्वेस्टिगेशन में ये सब सामने आने के बाद फाइनली 30 अक्टूबर 2022 में कोर्ट ने आर्यन खान को सभी चार्जेस से रिलीज कर दिया और मिस्टर वानखेड़े पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई। साल 2010 से लेकर 2022 तक एसआरके की टोटल 13 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से 8 मूवीज बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। इनमें से सबसे ज्यादा फ्लॉप एसआरके ने साल 2014 से लेकर 2018 के बीच दी थी। इस दौरान एसआरके ने कई बिग बजट हेवी वीएफएक्स सीजीआई मूवीज बनाई थी, जैसे कि दिलवाले, फैन एंड जीरो, और ये सब ना शाहरुख खान के करियर के सबसे बड़ी फ्लॉप्स में से एक थी, जिसके चलते साल 2018 के बाद एसआरके अचानक से बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हो गए और 4 सालों तक उनकी कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। सबको लग रहा था कि शाहरुख खान का करियर अब खत्म हो चुका है, बट साल 2023 में पठान के साथ उन्होंने एक इम्पैक्टफुल कमबैक किया। आगे की स्टोरी तो आप जानते ही हैं कि पठान सिर्फ शाहरुख खान के ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के करियर की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में से एक बन गई। पर पठान और जवान मूवी में ऐसा क्या था जो कोई और बॉलीवुड मूवी नहीं कर सकी? तो देखो, बॉयकॉट ट्रेंड और नेपोटिज्म के अलावा भी लोगों के पास बॉलीवुड मूवीज को ना देखने की एक बड़ी थी इन मूवीज की स्टोरीज में कुछ नया ना होना। खास करके लॉकडाउन में जब लोगों ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज के कारण जब वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस किया ना, तब उनका एक माइंडसेट बन चुका था, इसीलिए अब वो थिएटर्स में लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस वाली मूवीज ही देखना चाहते थे, जो कि उस समय रिलीज हो रही बॉलीवुड मूवीज तो डेफिनेटली प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। इस सब के बजाय उस समय ये काम साउथ इंडियन मूवीज द्वारा की जा रही थी, जिनका उन्हें फायदा भी मिल रहा था। पर बॉलीवुड के डाउनफॉल के बीच शाहरुख खान की पठान मूवी एक परफेक्ट मास एंटरटेनर बॉलीवुड मूवी बनकर सामने आई, जिसमें वो सब एलिमेंट्स मौजूद थे जिसे लोग इतने समय से बॉलीवुड मूवीज में मिस कर रहे थे। अब शुरुआत में इस मूवी के खिलाफ भी कई बॉयकॉट ट्रेंड चलाए गए, इसके अराउंड कई कंट्रोवर्सीज देखी गई, खास करके इस मूवी के सॉन्ग बेशरम रंग के अराउंड। बट मेजोरिटी व्यूअर्स ने इन सबको इग्नोर करते हुए बड़ी संख्या में थिएटर में जाकर इस मूवी को देखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये मूवी लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन गई, जिसने एसआरके के गिरते करियर को दोबारा से उठा दिया। अब इसी के कुछ महीने बाद ही शाहरुख खान अपनी एक और एक नई मास एंटरटेनमेंट मूवी जवान के साथ आ गए, जिसे साउथ डायरेक्टर एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था, और इसमें शाहरुख खान के ऑपोजिट विलन का रोल साउथ सुपरस्टार विजय थलापति को दिया गया, जिनकी एक्टिंग पूरे भारत में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। इस मूवी में एसआरके सोल्जर एंड पुलिस ऑफिसर के अवतार में दिखे, ऊपर से इसमें साउथ मूवीज की तरह दिखाए जाने वाले स्लो मोशन एक्शन एंड डायलॉग्स, जैसे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, को थिएटर में लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। वैसे इस डायलॉग को ना आर्यन खान केस से भी जोड़कर देखा गया था। एंड फाइनली जवान मूवी ने भी मैजिक दिखाई और लोगों ने इस मूवी को भी काफी प्यार दिया एंड अल्टीमेटली ये मूवी पठान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एसआरके के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी, जो कि ओवरऑल बॉलीवुड में सेकेंड मोस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में अब नंबर 2 पर है और पठान नंबर 3 पर। किंग खान की इन ब्लॉकबस्टर मूवीज ने पूरे बॉलीवुड में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया कि जो बॉलीवुड पहले डाउनफॉल देख रहा था, अब उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि एसआरके की मूवीज के बाद रिलीज हुई कई मूवीज ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल गदर 2, जिसमें सनी देओल की हैंडपंप वाली देशभक्ति और नॉस्टैल्जिया के कारण ये 50 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने भी 500 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। इसके अलावा कई और छोटे बजट वाली मूवीज लाइक तू झूठी में मक्कार, रॉकी और रानी के प्रेम कहानी ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कर लिया। वैसे इस दौरान बॉलीवुड पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड एडवांस बुकिंग को मैनिपुलेट करने के आरोप भी लगे हैं, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। और अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो देखना है ना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हो।
दोस्तों शाहरुख खान का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिनके पिताजी एक स्मॉल रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते थे और उनकी पूरी फैमिली दिल्ली में किराए के घर में रहती थी। माता पिता के डेथ के बाद साल 1991 में जब शाहरुख खान मुंबई में मूवीज में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे, तब उन्हें वहां तो सफलता मिली ही, साथ ही साथ उन्होंने उस सफलता से आए पैसे को मनी मैनेजमेंट के जरिए एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में इन्वेस्ट किया। और इसीलिए आज शाहरुख खान टॉम क्रूज, जैकी चैन जैसे एक्टर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के फोर्थ रिचेस्ट एक्टर है, जिनके नेटवर्थ 6,000 करोड़ है। इंडिया में कोई भी एक्टर उनके आसपास भी नहीं आता, लेकिन उनकी नेटवर्थ का मेजॉरिटी पार्ट उनकी एक्टिंग करियर से नहीं आता बल्कि उनके बिजनेस से आता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एंड VFX कंपनी, जिसे शाहरुख खान ने कई अदर पार्टनर के साथ मिलकर साल 1999 में ड्रीम अल्टीमेट के नाम से शुरू किया था, जिसमें बाद में SRK ने अपनी वाइफ को प्रोड्यूसर के तौर पर ऐड किया एंड साल 2002 में कंपनी को ड्रीम अल्टीमेट से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में रीनेम किया। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 500 करोड़ का था, जो कि साल 2022 में 82% तक बढ़ा और लगातार ये कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा शाहरुख खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के थ्रू KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स IPL टीम के 55% शेयर्स भी होल्ड करते हैं, जिस टीम की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपए है। ऑल्सो जिस बंगले में शाहरुख खान रहते हैं ना, उसकी वैल्यूएशन 200 करोड़ है और इसके अलावा दुबई और अलग अलग कंट्रीज में भी SRK के पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट्स मौजूद है, जो एडअप होकर SRK की इस ह्यूज नेटवर्थ को जनरेट करती है। शाहरुख खान ने साल 1992 में दीवाना फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। लेकिन इन्हें रिकॉग्निशन अपने एंटी हीरो रोल वाली मूवीज लाइक बाजीगर एंड डर से मिला, जो कि 90s की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में से एक थी। इसके बाद साल 1995 में रिलीज DDLJ SRK के करियर की ऐसी मूवी बनी जिसने उनके करियर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और तब से लेकर अब तक शाहरुख खान ने बॉलीवुड में कई डिफरेंट मूवीज बनाए हैं, जिनमें से मेरी पर्सनल फेवरेट स्वदेश एंड माई नेम इज खान है। साल 2004 में रिलीज स्वदेश में शाहरुख खान एक नासा के साइंटिस्ट बने, जो अपनी जॉब छोड़कर अमेरिका से वापस इंडिया में आता है ताकि वो अपनी नॉलेज से अपने देश, अपने गांव के लोगों की मदद कर सके, जो मूवी आज भी मैं कभी कभी देख लेता हूँ। अभी तक शाहरुख खान 90+ मूवीज कर चुके हैं, जिसमें उन्हें 14 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट से उन्हें पद्मश्री और फ्रांस गवर्नमेंट से ऑर्डर दिस आर्ट एट दिस लेटर्स एंड लीजन ऑफ ऑनर भी मिला है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फील्ड में एक बड़ी सक्सेस अचीव की है। शाहरुख खान दुनिया के कुछ मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में से एक है, जिन्हें टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में 57 नंबर पर रखा गया है। कहा जाता है कि दुनिया के हर 5 में से एक व्यक्ति शाहरुख खान को जानता ही है, और शाहरुख खान ने ये नाम केवल बॉलीवुड या फिर अपने लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए कमाया है। तो आई होप कि आपको आज के इस वीडियो के जरिए शाहरुख खान के इंस्पिरेशनल लाइफ से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। और क्या आपने शाहरुख खान की लेटेस्ट मूवी डंकी देखी है, हाँ या नहीं, नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर देना, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।